प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी अपने इस वीडियो में कक्षा 7 के विद्यार्थियों को उनकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ है पाठ 5 रक्त और हमारा शरीर, इसको लिखा है यतीश अग्रवाल ने, इस पाठ का भावार्थ बताने चल रहा हूँ। बहुत ध्यान समझिएगा। पाठ का नाम है रक्त और हमारा शरीर, खून और हमारा शरीर, माने हमारे शरीर में खून का क्या महत्व है, कैसे खून बनता है, खून कमी से क्या होता है, यही सब पूरे पाठ में बताया गया है। पाठ को आप लोग घर पे अच्छे से पढ़िएगा, पूरा पाठ पूरे मनोयोग से, घर को विद्यालय समझ करके बेहतर ढंग से पढ़िएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और मैं इसकी जो समरी है, सारांश है, उसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सारांश क्या है, दिव्या अनिल की बहन है, अस्पताल में दोनों जाते हैं। दिव्या बहुत कमज़ोर हो गई है, उसे इतनी कमज़ोरी है कि थोड़ा सा काम करती है थकावट लग जाती है, भूख कम लगती है, उसे एनीमिया का रोग हो गया है। वो जांच करवाने के लिए जाता है, डॉक्टर उसके खून की जांच लिख देती हैं या ब्लड की जांच करवा के लाइए। अनिल अपनी बहन को जहां लेके जाता है जांच करवाने के लिए, डॉक्टर जो दीदी हैं महिला, वो अनिल से परिचित हैं, वो तुरंत उनका खून लेती हैं और अपने स्लाइड पर लगा करके चेक करती हैं, बताती हैं कि इनको एनीमिया रोग हो गया है। इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है खून शरीर में कैसे बनता है, कैसे होता है, उसका क्या महत्व है, क्या भूमिका है बताया गया है। तो लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं, दो तरह के रक्त हमारे शरीर में होते हैं। लाल रक्त कणिकाओं से शरीर को ऊर्जा मिलती है, शरीर स्वस्थ मजबूत होता है। और जो श्वेत कणिकाएं हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, जो सफ़ेद रक्त कणिकाएं हैं, वो क्या करती हैं कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। हमें शरीर में कोई रोग होता है तो सफ़ेद रक्त कणिकाएं उस रोग के दुष्प्रभाव को रोकने की क्षमता बढ़ाती हैं। यही दोनों काम है। पूरे पाठ को आप अच्छे ढंग से पढ़िएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि लाल खून कैसा है और सफ़ेद खून कैसा है, किससे बनता है। तो डॉक्टर दीदी जो हैं अनिल को बताती हैं, जब रिपोर्ट के लिए कहती हैं अगले दिन आइए, अगले दिन रिपोर्ट लेने जाते हैं, अनिल देखते हैं उनके चैम्बर में कैसे वो खून की जाँच कर रही हैं, तब डॉक्टर दीदी अनिल को बताती हैं कि संतुलित भोजन, हरी सब्जी, दूध, संतुलित भोजन करने से शरीर में रक्त का निर्माण होता है। और सुरक्षित कैसे रहता है रक्त, या शरीर स्वस्थ कैसे रहता है, तो वह खून कब सुरक्षित रहेगा, शरीर कब स्वस्थ रहेगा, जब हम अपने शरीर की साफ सफाई पर ध्यान देंगे। शरीर की साफ सफाई पर ध्यान दें, संतुलित भोजन करें, तब हमारा शरीर क्या होगा, स्वस्थ होगा। जो शरीर में खून की कमी है वह दूर हो जाएगी। तो पूरे पाठ में यही बताया गया है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या महत्व है और लाल रक्त कणिकाओं का क्या महत्व है, लाल रक्त कणिकाओं के अंदर कौन कौन से कैसे कैसे कण होते हैं, उनका काम क्या है। ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, लाल रक्त कणिकाएँ इस ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुँचाने का काम करती हैं और हमारे शरीर में ऊर्जा क्षमता बनाए रखती हैं, और श्वेत रक्त कणिकाएं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। पूरे पाठ को आप समझिएगा, पढ़िएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इसका जो मूल भाव था उसको मैंने बता दिया, और बाकी अगले वीडियो में मैं प्रश्नोत्तर आपको बता दूंगा, कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये सब पूरे पाठ में बताया गया है। खून कैसे बनता है, खून का क्या महत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद।